वाह क्या सही मज़ा है मेरा। अभी इसके पहले जो ऑडियो मतलब इसके पहले जो शूट किया है उसका ऑडियो कुछ भी नहीं आया क्योंकि माइक थोड़ा सही से नहीं लगा था। यही सब दिक्कतें होती है मोटो ब्लॉगिंग में, मोटो ब्लॉगर्स स्ट्रगलिंग लाइफ। डेली ब्लॉग के दूसरे दिन देखो ये हो गया, ऑडियो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो अगर नहीं हुआ रहेगा तो डेली ब्लॉग के दूसरे दिन दूसरे पड़ाव में आपका स्वागत है। तो आज तारीख है 16 जुलाई और सुबह के अभी बजे है 12, सुबह के नहीं दोपहर के बजे 12। तो आज भी ऐसे ही बाहर निकला हूँ रैंडम, अभी थोड़ा सा डोंबिवली जाना है, एक गाड़ी उसका सर्विस करना है, एक नहीं दो गाड़ी उनका सर्विस करना है, तो उसके लिए डोंबिवली जाना पड़ेगा। तो अभी उसके लिए फटाफट पहले निकलते और मिलते घर पर, और घर से वो गाड़ी लेके निकलते। वो गाड़ी कौन सा है क्या है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए तो पहुंचते हैं क्योंकि अभी शायद थोड़ी बारिश होने लगी है। आज का दिन थोड़ा सा अलग जाएगा क्योंकि आज थोड़े काम हैं एक दो, और कल रात में एक्चुअली जो पिछला वाला जो आपने व्लॉग देखा वो रात में एडिट करना पड़ा क्योंकि एक प्रेजेंटेशन था वो बनाना था, तो रात में वही काम कर रहा था 1-2 बजे तक। उसके बाद मैंने एडिटिंग ख़त्म करके व्लॉग को रेंडर किया था, एक्सपोर्ट किया था, तो उसी चक्कर में सुबह हो गई और व्लॉग जो है मैं डालना भूल गया। तो डेली व्लॉग का जो सीरीज़ है वो शाम के 5 बजे, मैं हर वीडियो शाम के 5 बजे डालता रहूँगा शाम के, तो आपको देखने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी और मुझे भी थोड़ा एडिटिंग वगैरह करने में थोड़ी आसानी होगी क्योंकि दिन भर का एडिट करना, दिन भर का जो व्लॉग होता है वो रात में एडिट करके सुबह अपलोड करना थोड़ी परेशानी होती है, बट कोई नहीं चल जाता है। शाम के अगर 5 बजे अगर वीडियो डालूँगा तो थोड़ा सही होगा क्योंकि थोड़ा टाइम मिलेगा, मुझे बफर टाइम मिलेगा एडिट करके, एक्सपोर्ट वगैरह करके, फिर थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह थंबनेल वगैरह बनाने के लिए। तो इसके लिए 5 बजे का टाइम मैंने चुन लिया है, तो 5 बजे वीडियो आ जाएगी, हर वीडियो 5 बजे आएगी, तो देखना नहीं भूलना, हर वीडियो को देख लेना, पूरा देख लेना। चलो तो घर आने के बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट किया अभी 12 बज गए, 12 के बाद ब्रंच होता है, तो ब्रंच करके अभी हम लोग निकल रहे हैं मैं और दीदी। तो दीदी ऑलरेडी नीचे गई है, तो अभी बाइक लेके निकलेंगे और सीधा मिलते बाइक पर। तो आज की सवारी है इलेक्ट्रिक बाइक, आज इलेक्ट्रिक बाइक से ट्रेवल करने वाले हैं। आज इसको एक्चुअली सर्विस के लिए लेके जा रहा हूँ। आगे और एक गाड़ी है, दोनों अपनी गाड़ी है, एक्चुअली दीदी की है, एक आध दिन कोई तो ले लूँगा इसका रिव्यू करने के लिए। इलेक्ट्रिक गाड़ी आजकल बहुत ज़्यादा चलती है और यही इसका फ्यूचर है अभी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के भाव देखते इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत ज़्यादा चलेगी। तो ये गाड़ी लेके जाएंगे हम लोग डोंबिवली क्योंकि इसका सर्विस सेंटर डोंबिवली में है। ये एक्चुअली डोंबिवली से परचेस की थी तो इसके लिए डोंबिवली में दे रहा हूँ। अभी ट्रैफिक है यहाँ पर सिनेमैक्स के यहाँ पर, तो थोड़ा आगे निकल लेते फिर मिलते। अरे भाई ये रास्ते है कि खड्डे, खड्डों में रास्ता है या रास्तों में खड्डा है, ये देखो पूरी वाट लगी है। अरे बाबा इलेक्ट्रिक गाड़ी खड्डों में। कैसे चला रहा हूँ मुझे ही मालूम है। आए रास्ते है यार, क्या रास्ते है ये, कोई बोलेगा कि ये नए रोड है।
बहुत रास्तों की हालत बहुत बेकार है और उन्हीं रास्ते पे ये इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अभी यहाँ पर, ये है सावित्री बाई फुले नाट्य गृह आई गेस। तो उसके सामने यहाँ पर बजाज का सर्विस सेंटर है, उसी के अंदर ये वाला का सर्विस सेंटर है। अभी फ़िलहाल तो देखना पड़ेगा कि है कि नहीं चालू। ऑलराइट, तो यहाँ पर नहीं है एक्चुअली वो कंबड़ा बड़ा का जो सीएनजी पेट्रोल पंप है, सीएनजी पंप है, सीएनजी पेट्रोल पंप कैसे बोल सकते हैं मैं, तो सीएनजी पंप जो है वहाँ पर है कहीं पर। तो ये यहाँ का भी शिफ्ट किया है उन्होंने सर्विस सेंटर, तभी वहाँ पर पहुँचते हैं खम्बलपाड़ा। तो ये मिल गया यहाँ पर सर्विस स्टेशन, यहाँ इसका ये नया एक्चुअली, यहाँ पर पुराना वाला अलग जगह पे था जहाँ पर हम लोग गए थे वहाँ पर था। तो अभी इसका सर्विस करेंगे, देखते क्या करते हैं लोग और फिर मिलते हैं। ऑलराइट, तो बाइक तो सर्विसिंग पे नहीं थी, ये देखो फिर से एक गाड़ी लेके आया, क्योंकि जो बाइक था वो कल देना है सर्विस, क्योंकि आज सैटरडे होने के कारण बहुत जगह पर मतलब बहुत गाड़ियाँ थी उनके पास, तो एक गाड़ी सर्विसिंग में रख दी और हम लोग फिर से घर पे आए। लेकिन अभी मैं 6 महीना चढ़ के नीचे आया और अभी जाना है मुझे एक्चुअली नए वाले घर पे, क्योंकि वहाँ पर सिलेंडर आया, गैस सिलेंडर आया, तो अभी उसे लेने फटाफट जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अभी कोई भी नहीं है वो घर में, तो मुझे ही जाकर कलेक्ट करना होगा। तो फटाफट जाते पहुँचते सीधा घर पे। बाकी अभी यहाँ पर थोड़ा एडिटिंग कर लेता हूँ, आज वाला जो ब्लॉग है उसे थोड़ा एडिट करके रखता हूँ, बाकी वाला जो एंड वाला सीन रहेगा वो बाद में कर लेंगे। अभी जितना हुआ है उतना एडिट करके रखता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, आधा घंटा है, अभी 5 बजे, ये देखो 4:58, तो अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो फटाफट एडिटिंग कर लेता हूँ। और कल का जो प्रेजेंटेशन मैंने भेजा है उसका भी आज फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो वो भी देखते, होप फॉर द बेस्ट। अभी क्या करेंगे क्या नहीं, तो यहाँ पर एडिटिंग कर लेते और मिलते थोड़ी देर बाद वापस, फिर से एक बार बाहर निकलेंगे हम लोग, बाहर निकल के थोड़ा घूमेंगे बाइक, शायद आज हिमालयन का बारी है तो हिमालयन शायद बाहर निकालूँ और उस पर थोड़ा सा घूम के आ सकते, तो देखते क्या है। अभी एडिटिंग ख़त्म कर लेता हूँ। चलो तो निकल चुके हैं भाई साहब, अभी हिमालयन लेके जाएंगे, हिमालयन का थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। अभी निकल गई भाई साहब, और इस पर शायद अभी थोड़ा फ्यूल अप करना है, शायद नहीं फ्यूल अप करना ही है, और हल्की फुल्की बारिश हो रही है, फ्यूल अप बाद में करेंगे, अभी पहले घर पहुंचते हैं। और फॉग मेरा वाइज़र जो है वो फॉग पकड़ रहा है अभी, तो थोड़ा हल्का फुल्का खोल के रखना पड़ेगा वाइज़र। हिमालयन चलाने में बहुत मज़ा आता है मेरे को, और बारिश में तो आता ही है, क्योंकि बारिश में ये गाड़ी चल जाता है कहीं पर भी, क्योंकि पॉटहोल्स वगैरह जो है वो निकल जाते हैं आराम से। सीबीजेड पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, और सीबीजेड का ये जो ग्रिप है एक्सीलेटर ग्रिप वो थोड़ा सा अभी ख़राब हुआ है, ख़राब मतलब थोड़ा सा फिसलता है हाथ से, तो इसके लिए दिक्कत होता है थोड़ा सा, उसका भी काम करना है अभी। डेडी ब्लॉग का दूसरा दिन का ऑलमोस्ट आधा वीडियो ख़त्म हो चुका है, मतलब इसके पहले का जो भी फुटेज था वो मैंने एडिट करके रख दिया है, ताकि अभी जब वीडियो डालू शूट करूँगा अभी, तो वो जो नया वाला फुटेज रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर मतलब फटाफट एडिट हो जाएगा, ताकि मैं शेड्यूल भी फटाफट कर दूँ और शायद कल राइड पर निकलूँ, शायद अभी वो डिसाइड घर जाके होगा। घर पे अभी जाने के बाद पूछेंगे मॉम डैडी से कि राइड पर जाऊँ या नहीं जाऊँ, राइड पर नज़दीक ही जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो अगले वाले ब्लॉग में आप देख ही लोगे। चलो तो थोड़ा सा फ्यूल अप करते हैं, और थोड़ा पार्सल लेना है सब्जी और भाकरी, तो भाकरी लेने के लिए प्रेम ऑटो जाना ही है, तो फ्यूल अप भी कर लेते इसमें और भाकरी भी लेके आते। हिमालयन का आज तक का मैंने
रिजर्व वाला ज़्यादा चला है, मतलब 48 किलोमीटर चला है, उसके ऊपर मैं नहीं चल पाया क्योंकि उसके बाद बहुत डर लग रहा था, तो फटाफट फिल अप कर लिया था। तो 48 किलोमीटर अगर सही होंगे रिजर्व पे तो मालूम नहीं कितना चलता है, वो भी मालूम नहीं है। अतुल दादा तो बोल रहे थे कि 60 किलोमीटर तक चलता है क्योंकि ये रिजर्व इसका शायद 2.5 लीटर का है। पेट्रोल भरते हैं, पेट्रोल पहले पेट्रोल भरते, पेट्रोल पेट्रोल के लिए कर दिए क्या? नहीं ये चलो हो जाएगा तुरंत। हाँ हाँ कितने टाइम बाद इतना पेट्रोल दिख रहा है, कितने टाइम बाद, वाह 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 बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा। तो फ्यूल अप हो गया भाई साहब, फ्यूल अप हो गया अभी, मतलब कल, अभी इसका मतलब कल निकल सकते, वैसे भी निकल ही सकते थे लेकिन अभी कैसा कोई टेंशन नहीं है, अभी जाके आ भी सकते, तो इसके लिए मैंने आज फ्यूल अप करके रखा है। चलो तर चलो, तो यहाँ से गाड़ी निकाल दे पहले, तो यहाँ से सब्जी और भाकरी ले लिए मैंने, टेस्टी बाइट्स एनी टाइम बेस्ट, यहाँ पर ना बहुत अच्छा मिलता है खाना, पूरी भाजी केंद्र है लेकिन खाना इतना भारी मिलता है ना कि घर जैसा रहता है, मतलब कुछ भी रहता है, चिकन भी रहता है, मटन भी रहता है कभी कभी, और शायद मच्छी भी होता है। ये पहुँचे स्टेशन, स्टेशन कहाँ है थायमक टिफिन वाले, तो इनको पिक कर लिया है, अभी घर जाएंगे खाना खाएंगे। मेटल ची आण कोणती पण दाखव इथे, कुठे लावायचं, कुठे लावायचं चांगले व्हिडिओ। तो चलो अभी रात के बजे है 11:45, 11:50 हो गए, तो अभी घर पर जा रहे, प्रीच को लिया है साथ में, देखो प्रीच का हाथ है, प्रीच हाय, अभी वहाँ से ब्रेड वगैरह ले लेंगे वेलनेस से सुबह के लिए, सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो मिलते कल नए वीडियो में, तो कल शायद थोड़ा मज़ा आए, देखते कल का क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आपको कल अपडेट मिल जाएगा। चलो